नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। पौधों को जानिए, ये हमारा आजकल टॉपिक चल रहा है और इसके थोड़े से प्रश्न और उत्तर हमने इससे पहले वाले सेशन में करे थे। आज मैं थोड़े से और प्रश्न और उत्तर लेकर आपके सामने फिर आई हूँ। तो जब मुझे उम्मीद है कि जो पहले हमने प्रश्न उत्तर करे थे वो आपको समझ में आ गए और बहुत से आपको याद भी हैं। चलिए आज हम सेशन स्टार्ट करते हैं और थोड़े से और प्रश्नों के उत्तर हम समझते हैं और उससे अपना पार्ट भी रिवाइज करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है, यदि किसी पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें किस प्रकार की होंगी। देखिए, जब ये मैं शिरा विन्यास के बारे में आपको पढ़ा रही थी पत्तियों में, मैं आपको बताया था कि इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इसका उत्तर अगर प्रश्न पढ़ के आपको एकदम याद आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको अभी लग रहा है कि इसका क्या था, जब शिरा विन्यास ऐसा होता है तो किस प्रकार की जड़ होती है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो एक बार फिर से हम अच्छा होगा कि आप ये टॉपिक पढ़ें, क्योंकि रटिए नहीं, समझेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। तो इस जो प्रश्न का उत्तर रहेगा, मूसला जड़, जो मूसला जड़ होती है उसमें आपका जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है। ठीक है, फिर जो हमारा है, यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिरा विन्यास किस प्रकार का होगा। तो दोनों प्रकार का ही पूछ लिया गया है, तो इसमें आ जाएगा समानता शिरा विन्यास। और आपसे ये ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि पत्तियों में कितने प्रकार के शिरा विन्यास पाए जाते हैं, उनके नाम क्या हैं। तो आपका उत्तर होगा दो, और होगा एक एक जालिका रूपी होता है और एक आपका जो दूसरा आपका विन्यास होता है वो समानता शिरा विन्यास होता है। तो आपने ये दोनों प्रश्न को ध्यान से देखा कि एक में आपसे शिरा विन्यास का नाम दिया है, उससे तब पूछा है किस प्रकार की जड़ होगी, और जो दूसरा प्रश्न है उसमें आपको जड़ का रूप दिया है और पूछा है कि जो पत्ती की शिला विन्यास कैसे होगी। तो यही है कि आपको ये चारों चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, और आपका आता है तो सॉलिड मार्क्स है, लेकिन जरा सी गलती से आपको परेशानी हो सकती है, तो इसको अच्छी तरीके से रिवाइज करिएगा। फिर हमारा जो प्रश्न है वो है, क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर ये पहचान कर सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़, और कैसे। तो देखें, तो यहाँ पे हमने मैं आपकी बुक में वो छाप की बात थी और मैंने आपको पूरी वो पिक्चर एक बड़ी करके दिखाई थी कि उसके अंदर जब हम पत्ती का अंदर का कैसा रूप होता है, तो उसी का अगर समझा है तो हमें इसका उत्तर देने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हम अगर पत्ती देखें तो हम इसका बता सकते हैं, इसलिए हमने आंसर दिया हाँ। अब हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कहा है कैसे। यदि पौधे की पत्ती में जालिका रूपी शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें मूसला होंगी, और यदि पौधे की पत्ती में समानता शिरा विन्यास हो तो उसकी जड़ें झकड़ा जड़ें अथवा रेशेदार जड़ें हों। तो जो एक अगर मैं कहूं कि जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपके इस उत्तर में आ गया। तो अगर आपने ये भी उत्तर याद समझ लिया है और याद है, तो आप इस प्रकार के किसी भी प्रश्न का उत्तर बहुत आसानी से दे सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं, किसी पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो पुष्प के भाग जो विभिन्न भाग है वो क्या है, बाह्य दल होता है, पंखुड़ियां होती हैं, स्त्री केसर होता है, पुंकेसर। और आदि इसलिए करा क्योंकि फिर उसमें अंडाशय और सब कुछ आ जाता है, तो इसलिए हमने आदि करा। लेकिन जो मेन जो भाग हमने अभी तक जो पढ़े हैं उनके नाम ये हैं। तो ये किसी पुष्प के विभिन्न भाग आपको याद होने चाहिए कि, और ये नए नाम हैं तो आप ये नहीं सोचिए कि एक बार पढ़ने पे याद हो जाएंगे, इनको आपको थोड़ा रिवाइज करना होगा।
आगे का प्रश्न है, पौधों के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं? तो कौन सा पौधे का भाग अपना भोजन बनाता है, कौन सा है? बिल्कुल ठीक, पौधों की पत्तियां भोजन बनाने का कार्य करती हैं। और प्रक्रम के लिए कैसे? पत्तियों के द्वारा भोजन बनाने की इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा है किस प्रकार, इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, इसलिए हमने उत्तर में सिर्फ प्रकाश संश्लेषण लिखा है। तो प्रश्न के कई भाषा को समझी और उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर दीजिए। फिर जो हमारा प्रश्न है वो है, निम्न में से किन पौधों के फूल आपने देखे हैं? तो ये इन्होंने बहुत सारे नाम दिए रखे हैं, तो मैंने जिनके फूलों के पौधों के फूल देखे हैं उनके नाम मैंने दिए। हो सकता है आपने और भी किसी पौधे के देखे हो तो आप नाम दे सकते हैं। और ये पाठ पढ़ने के बाद जरूर अगर आपके पास ऐसा एक कोई नर्सरी है, कोई खेत है जहां पे आपको इस प्रकार के पौधे मिलते हैं तो जरूर वहां जाएं। अगर आप लोग अपना फ्रेंड सर्कल पूरा आपके दोस्त मिलके जाएं बहुत अच्छा होगा, और ऐसे आपके साथ के दोस्त नहीं मिल रहे तो आप परिवार के किसी सदस्य के साथ जाकर, लेकिन एक बार अपनी आंखों से विभिन्न प्रकार के फूल देखें और देखें कैसे टमाटर का फूल कैसा होता है, बैंगन का कैसा होता है, भिंडी का कैसा होता है, और फिर इतने अमरूद, अनार, जामुन, इनके फूल आप देखें पहचाने, तो वो आपके लिए एक बहुत अच्छी लर्निंग रहेगी। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने गमले में थोड़े से आप पौधे उगा सकते हैं, कच्ची जमीन है तो वहां पर, तो थोड़ा सा जब आप पौधों के साथ खुद थोड़े सा काम करेंगे तो पौधों की आपको और ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो मैंने मक्का का देखा है, टमाटर देखा है, तुलसी देखा है, आम का देखा, जामुन, अमरूद, पपीता और नींबू, इन सबके मैंने फूल देखे हुए। आपने किसका देखा है तो आप अपने नाम लिखिए। फिर हमारा जो प्रश्न आ रहा है, पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है? तो अंडाशय हमें कहाँ मिलता है? फूल के स्त्री केसर में, सबसे निचले सूजे हुए भाग में अंडाशय स्थित होता है। तो यहाँ पे स्त्री केसर के सबसे निचले सूजे हुए भाग में, तो आपने जब हमने पुष्प की संरचना दिखाई थी तो हमने देखा था पुंकेसर थे, और फिर हमने स्त्री केसर देखे तो स्त्री केसर में हमने देखा था अंडाशय। ठीक है, तो वर्तिग्रा था, वर्तिक्राग था, अंडाशय था। तो जो फूला हुआ तो ऊपर वर्तिका और फिर नीचे पतली डोर थी वो वर्तिकाग्र, और फिर नीचे वो था स्त्री केसर। तो ये देखिए कि छोटी छोटी चीजों पे कैसे प्रश्न हमारे बन सकते हैं। फिर हमारा प्रश्न आता है, ऐसे दो पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग पंखुड़ियां। तो जो संयुक्त पंखुड़ियों वाला है वो है धतूरा और टमाटर, अलग अलग पंखुड़ियों वाले पुष्प कमल और गुलाब। तो देखिए कमल का फूल आपको अगर वैसे नहीं मिल रहा है तो किसी मंदिर के उसमें आपको हो सकता कमल का फूल देखने को मिल जाए, नहीं तो अलग अलग पंखुड़ियों में हम गुलाब तो आपको हर जगह मिल सकता है। संयुक्त पंखुड़ियों के लिए हो सकता है धतूरा आपको एकदम आसानी से नहीं मिले, लेकिन टमाटर का फूल जरूर मिलेगा। तो जैसा मैंने कहा, किसी नर्सरी में जाइए और जरूर देखिए, अगर आपको देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। और टमाटर तो आप जो घर में टमाटर आते हैं उसके बीज अगर आप किसी अच्छे गमले में अच्छी मिट्टी भर के डालते हैं तो आपका टमाटर का पौधा तो वहां पे भी बन सकता है। कोशिश करें और थोड़े से टमाटर घर पे भी उगाइए। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, थोड़े से प्रश्न उत्तर करें, और हमने ये पाठ भी आज खत्म कर लिया। अगले सेशन में नए पाठ के साथ एक बार मैं फिर मिलती हूँ। पौधों की जानकारी आप लेते रहें, ये हमारे आसपास रहते हैं, तो जितना हो सके उनको इस पाठ को पढ़ने के बाद और ध्यान से देखें और अपने इस ज्ञान को, पौधों से रिलेटेड ज्ञान को और ज्यादा बढ़ाएं। तो अगले बार फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। बाय।